Hi guys, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Monkzone Indie Education. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for SARSHIZY GVO 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the paper and the strategy. Guys, as you know, SARSHIZY GVO extremely speed-based exam. You get 160 questions for and the time is 2 hours. So uske according, bahut kam time milta. It is not even a minute. ठीक है, काफी लोगों को इशू हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, इसके बाद भी वो पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। काफी टाइम ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पे वो नहीं लगाना चाहिए था। तो गैस, ये बहुत बड़ा रोल होगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो। चाहे आपने जितना पढ़ाई करी हो, अगर आप गलत क्वेश्चन में टाइम दे दोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा और आपको बाद में रिग्रेट होगा जब रिस्पॉन्स शीट आएगी कि आपने इजी क्वेश्चन मिस कर दिया, टफ क्वेश्चन फंसे रहे। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं गैस, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ मैं। उन पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखोगे और जो मॉक्स दे रहे हो वहां पे अप्लाई करोगे तो गारंटीड है कि आपका इस तरह का इशू नहीं आएगा एग्जाम में। तो टफ फेवर भी आएगा तब भी आप उसमें अपना बेस्ट दोगे। ठीक है, चलो गाइस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आया था काफी लोग हेल्प जाएगी, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट ए स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट ए कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट ए नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम और करना हम लोग, एसआरसीसी का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो तो गैस पहला पॉइंटर क्या है कि बी रेडी फॉर अ सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है गैस। अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर पेपर काफी टफ आया था, तो लोग उसी माइंडसेट से हैं कि पेपर टफ आएगा। दिक्कत कब आती है, जब लास्ट ईयर पेपर बहुत ईजी आया हो और अचानक इस बार टफ आ जाए, तो आप लोग का सबका माइंड सेट टफ वाला ही है, क्योंकि टफ वाला माइंड सेट होना सही होता है तो आपको सरप्राइज नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो अगर पेपर ईजी आता है तो आप डरोगे नहीं, आप खुश होगे, बट उल्टा होता तब दिक्कत होती। स्टिल गैस अगर पेपर बहुत इजी आता है लाइक 2019 की तरह, तो भी आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो खुश मत होना ज्यादा, बहुत ही ढंग से करना। कभी कभी ज्यादा एक्साइटेड सिली मिस्टेक करते हो, और कई बार देखा गया जब पेपर बहुत इजी आता है तो आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी करते हो। गाइस पेपर अगर लास्ट ईयर की तरह आता है तब तो आपको ढंग से काम करना ही है, और अगर पेपर अगर ईजी आता है तो उसमें भी आपको ढंग से काम करना पड़ेगा, बिकॉज आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने। ठीक है, नंबर ऑफ एक्यूरेसी आपकी बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज कट ऑफ जाएगा ज्यादा। लाइक 2019 के पेपर में गाइस 424 मार्क्स वाज द कट ऑफ जस्ट फॉर जीडीपीआई। तो अगर मान लो जीडीपीआई इस बार नहीं होता है और 2019 के पेपर आता है, तो ये मान के चलो कि आपको 450 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, बट लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 357 वाज द कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, लास्ट ईयर बट फाइव। ठीक है, तो सरप्राइज की रेडी रहो, हो सकता है पर ईजी कर दें, हो सकता है पर लास्ट ईयर तय कर दें। मुझे नहीं लगता कि पर लास्ट ईयर से ज्यादा टफ, तो फिर काफी अजीब बात हो जाएगी। बट इन केस पेपर लास्ट ईयर से ज्यादा टफ होता है तब भी गैस चल जाएगा, सब कुछ टफ नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के बहुत टफ दे देंगे, 10 क्वेश्चन कर लोगे, फिर उस केस में आप बाकी सेक्शन में ध्यान देना। ठीक है, आपको पूरे पेपर में कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, जो इजी मिलता है करते रहना, तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। गैस अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, गलत सेक्शन उठा लोगे नहीं कर पाओगे तो बाकी सेक्शन सफर करेंगे। जैसे किसी का स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा होता है, तो कौन सा स्टार्ट करो, और कुछ लोग बोलते हैं कितने अटेम्प्ट्स करें, इसकी कोई लिमिट नहीं गाइस। अगर पेपर इजी आ गया, हमने बोल दिया 100 करने हैं, पेपर मान लो बहुत इजी आ गया तो आपको 150 करने पड़ेंगे, 140 करने पड़ेंगे, तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी रखो। पहला क्वेश्चन देखा कर रहे हो, एक मिनट में हो रहा है कर लो, नहीं हो रहा छोड़ो आगे जाओ, बस आपको ऐसे करना है। आप वो सोचने नहीं कितने क्वेश्चन कर, जितने ज्यादा कर लो उतना अच्छा है। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ कौन सेक्शन से स्टार्ट करना है, कौन से करो, बीए से करो, एलआर से करो, किसी से भी करो, बट डीआई से नहीं करोगे स्टार्ट। डीआई को आपको एंड में ही करना, क्योंकि डीआई में फंस जाते हो, आपको पता नहीं चलता टाइम कब चला गया। ठीक है, तो डीआई को आपको एंड में स्टार्ट करना है, ये चीज है। नॉट टू स्पेंड मोर देन ए मिनट, मतलब किसी भी हाल में मैक्सिमम कट ऑफ आपका 1 मिनट होना चाहिए गाइस। 1 मिनट से ज्यादा अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो अवॉइड करो उसको प्लीज, और कोई नेट आगे क्वेश्चन मत दो जो कभी देखे नहीं आप। ठीक है, उसको हटाओ तुरंत, इसके बारे आगे जाओ। ठीक है गाइस, ये जरूर होगा आपके साथ कि शुरू के 5 क्वेश्चन आपको बहुत टफ दे देगा, वो आपको डराएगा, बट आपको डरना नहीं, आप छोड़ते जाओ। आप ये मान के चलो कि आपको 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं, ऐसा मान लो आप। अगर पेपर बहुत टफ आता है ना, तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही नहीं, वैसे मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में पॉइंटर है। ठीक है, तो अभी के लिए यही है कि आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन से ज्यादा लग रहा है तो उसके पे रन करना है। ठीक है, हैवी पजल्स, आरसी एंड सेट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको नहीं करने स्टार्टिंग में, अगर टाइम मिलता है बाद में तो करने होना नहीं करने। ठीक है, फॉर मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर, मतलब लास्ट डे पेपर आता है तो गाइस आप ये मान के चलो कि 160 क्वेश्चन आते हैं, बट आप उसमें से अगर 120 भी अटेम्प्ट करते हो ना, 40 क्वेश्चन छोड़ देते हो, मतलब आप क्या, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी की 40 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। अगर आप 120 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो आपने कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 480 मार्क्स अटेम्प्ट किए, और आपकी अगर एक्यूरेसी 80% है
ठीक है, तो 120 का 80% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब ये आपका कितना आ जाएगा 20%, क्या आएगा 24 क्वेश्चन आएगा, 24 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स, 24 क्वेश्चन मतलब 96 मार्क्स, ठीक है, 96 मार्क्स और नेगेटिव भी जाएंगे 24 क्वेश्चंस के, ठीक है, तो अराउंड 360 मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। मतलब अगर आप 120 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो विद 80% एक्यूरेसी तो आप 360 मार्क्स ला सकते हो। ये तब का बता रहा हूँ जब पेपर लास्ट ईयर इधर आता है, ठीक है। तो आपको अगर मैं सिर्फ ये चीज बोल रहा हूँ कि मान लो कौन से आपने शुरू में देखे, कौन से अगर आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कैट लेवल के, पांच पांच लाइन के क्वेश्चन करना नहीं है, क्या सोचना है हमको 20 क्वेश्चन कौन में छोड़ने हैं, ये सोच के जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट ईयर ये हुआ गया, शुरू में 15 क्वेश्चन टॉप दे दिए, बाकी 25 क्वेश्चन एक लाइन के थे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उतने इजी क्वेश्चन हमने भी नहीं बनाया मॉक, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको गाइस, ये चीज है, तो गाइस ये आपको करना है मेन चीज। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम टाइम इरिगेशन पर सेक्शन, गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम टाइम है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको उतना ही देना है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप फ्लो में रहते हो और बहुत टाइम दे देते हो, लोग एक घंटा क्वांट्स में दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गाइस आपने अगर 35 मिनट्स क्वांट्स को दिए तो 35 मिनट्स में आप जितने इजी क्वेश्चन सब कर रहे हो, 40 से 20 क्वेश्चन, फिर आप LR में जो वहां के इजी क्वेश्चन देखो, सबके इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं कि एक ही सेक्शन में रहेगा, फिर टाइम मिलता तो करो। गैस मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो टाइम एलोकेशन होना चाहिए 35 मिनट्स बाद आपको क्वांट्स को छोड़ देना है, और इन 35 मिनट्स में आपको सारे इजी क्वेश्चन करने हैं, ऐसा ना हो कि 35 मिनट्स बाद कुछ इजी क्वेश्चन रह जाए और आप टफ क्वेश्चन में फंसे रहे हो, ऐसा मत करना, फिर आप LR में 30 मिनट्स आपको देने, VA में आपको 20 मिनट्स देने, और RCRC नहीं करना है, खाली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करने, फिर आपको DI में करना है, तो ये आप ऐड करोगे तो इट कम्स आउट टू आवर्स 120 मिनट्स, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, बाकी अगर आपको जूस करता है उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। सिंपल रूल है, डुएबल क्वेश्चन दिख रहा है अटेम्प्ट करो, लेंथी दिख रहा है स्किप करो, सिंपल सा रूल है ये। डुएबल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सामने आया आपको लगता है आप कर लोगे तुरंत कर दो आगे जाओ, नहीं लगता नहीं कर पाओगे तुरंत छोड़ के आगे जाओ, छोड़ने में गाइस हेजिटेट नहीं करना कि हम छोड़ क्यों रहे, क्योंकि मन ने बना लो कि टफ क्वेश्चन पेपर आएगा तो छोड़ना ही मुझे, अगर ये करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आई आप, ठीक है। अवॉइड सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सिंगल DI सेट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपने DI देखा, DI में चार में से दो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं बट दो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, बच्चे सोचते हैं पूरा DI कर लेंगे, ऐसा मत करो, एक DI से दो क्वेश्चन करो, दूसरे DI में जाओ वहां दो क्वेश्चन करो, ऐसे करो, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करना आपको गाइस, अगर आपको बाद में टाइम मिलता है बाद में, पर स्टार्टिंग में नहीं करना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी DI के लिए लगाना, और DI में गाइस ट्राई करो कुछ DI के सेट सॉल्व करके जाओ, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह याद पढ़ के जाओ DI के, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मेनली परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जैसे मान लो क्वेश्चन अगर आ जाए 6.66% ऑफ 45 ऑप्शन इंटीजर में हो, तो क्या करो, ऑप्शन है मान लो 1, 2, 3, 4, तो आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 6.66% क्या होता है, ये होता है 1/15 into 45 3 आंसर, तो आपको ये सब आना चाहिए। एग्जाम्पल दिया मैंने कि ऐसे 1/2 आपका 50% होता है, 1/3 33.33% होता है, तो आपको 30 तक के आने चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये चीज है, तो ये तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है, ये चीज लगानी है, बट एट द एंड वही होगा कि जिसने वैरायटी बढ़ी एक्चुअली में कर वही पाएगा, अगर आप खाली अरिथमेटिक की भरोसे जा रहे हो तो नहीं निकलेगा एग्जाम, क्योंकि आप खुद देख लो पेपर उठा के लास्ट ईयर का, सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए, हमने काउंट किए थे 29 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से आए, और आई डोंट थिंक कोई चैप्टर रह गया उनसे, तो आप पूरा चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। आप हैवी चीज मत पढ़ो, बहुत टफ मत पढ़ो, बट कुछ ना कुछ करके जाना है आपको, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री के जितना भी है वो करके जाना है आपको, ठीक है, अलजेब्रा करके जानी है आपको, बायनोमियल स्टैटिस्टिक्स सब कुछ करके जाना है आपको, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस जिन लोगों ने हमको मेन कोर्स लिया था या CMAT कोर्स लिया है, कोई भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग छोड़ के मत जाना गाइस, चाहे आपको दिन में चार चार रिकॉर्डिंग देखनी पड़े, उसके बाद से कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए उसी टाइप का, मतलब ठीक है। जिन लोगों ने मिनी क्रैश कोर्स लिया है उन लोगों को भी जितने शॉर्टकट्स के वीडियो दिए हैं पास पेपर के सब देख के जाओ, फिर अगर प्रैक्टिस शीट लगा लो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी एग्जाम से पहले 6 से 8 मॉक्स आप दे सकते हो, एटलीस्ट 6 मॉक्स दे के जाओ एग्जाम से पहले, बिकॉज आप टाइम आ गया मॉक्स देने का, मतलब 25 के बाद से आप लगातार एक मॉक भी दे सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं 5 तारीख तक, ठीक है। वो 7 को एग्जाम है, 6 को मत देना मॉक, ठीक है, ये चीज। सो गाइस बेसिकली ये हम लोग का SRCC का मिनी पैक है, SRCC GB एसेंशियल के नाम से, जिन लोगों को अभी भी कुछ लगता है कि वो 10 डेज में कुछ अच्छा कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग है, 799, 6 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, प्रॉपर थ्योरी एंड प्रैक्टिस शीट मिलती है,
कवरिंग ऑल द सेक्शंस कॉल्ड एलआर बीआरसी डीआई, तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो। रेडियो सॉल्यूशन का एक्सेस मिलता है पास 3 ईयर्स का एटलीस्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइव जूम सेशन एटलीस्ट 10 होंगे, एक हो चुका है, एक कल होना है, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो यहाँ पे आप काफी कुछ सीखोगे कवरिंग 100 क्वेश्चन। 15 टेलीग्राम रैपिड फायर सेशन होंगे, ये लगातार होते रहेंगे, एक हो चुका है, कल एक है, बाकी अगे हम देखेंगे शेड्यूल करेंगे इसको। तो मेन चीज 7-8 पॉइंट है जो आपके काम आएगा, सब काफी कुछ सीखोगे। और 6 ईयर्स के एबर्स आपको मिलेंगे पोर्टल पे। प्राइसिंग हमने बहुत इन का रखी सो दैट एनीवन कैन अफोर्ड, और आई थिंक 70 बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं इसमें। अगर आपको ये नहीं लेना है, आप सोचते हो नहीं कर पाओगे आप इसको कंप्लीट कवर, तो आप मॉक दे सकते हो। कल मॉक टेस्ट गाइस हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में, लास्ट ईयर पर आया था, सारे मॉक्स लास्ट ईयर के बाद अपडेट किए थे। 6 फुल लेंथ मॉक्स हैं, 450 के हैं, बहुत इकोनॉमिकल है। अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप सीखोगे काफी कुछ। डेली काफी बच्चे मॉक ले रहे हैं, और आई थिंक 100 से 150 बच्चे एनरोल कर चुके हैं, और काफी बच्चे डेली एनरोल कर रहे हैं। तो फॉर एनरोलिंग ऑन बोथ द कोर्सेज यू कैन विजिट mockzone.in/srcc, ठीक है। तो गाइस अच्छे से करो, वैरायटी करोगे तो हो जाएगा। और दोनों को अगर कोर्सेज को कंपेयर किया जाए तो आप खुद देख सकते हो प्राइसिंग का। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 350 ऐड करके आपको बहुत कुछ मिल रहा है, मेनली 7th-8th पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा, बाकी प्रैक्टिस शीट वगैरह तो है, ठीक है। ये लास्ट ईयर रिजल्ट थे। लास्ट ईयर के तो हम लोग लाइव क्लास लेते ही नहीं थे, कोई जूम क्लास होती ही नहीं थी, स्टिल ये हाल है। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट मोर रिजल्ट्स, काफी अच्छा है, ठीक है। चलो गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप में दिस नंबर। और गाइज हम लोग कैट का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और एमबीए का 12th मार्च से टेंटेटिवली। तो आपके फ्रेंड्स या आपको अगर अगले साल के लिए भी ट्राई करना हो तो यू कैन चेक आउट, ठीक है। बहुत डिटेल्ड कोर्स है हम लोगों का कैट का। चलो गाइज बाय।